नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल काफ़ी टेंशन में चल रहे हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वो कौन से 11 और नेता हैं, 11 और मंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पत्र लिखा था और इंतज़ार था वक्त का, तो 23 अगस्त का दिन दिया गया है मुलाकात के लिए। 11 बजे सुबह 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष के तमाम डेलीगेट समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं और चर्चाएं होने वाली है जातिगत जनगणना को लेकर। आपको बता दें कि इस पर सबका अलग अलग विचार है। बीजेपी के विचार अलग हैं और नीतीश कुमार के विचार अलग हैं, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार यानी कि जदयू और राजद साथ है। नीतीश कुमार के साथ विपक्ष है, विपक्ष की सारी पार्टियाँ हैं, वो चाहते हैं कि बिहार या फिर जातिगत जनगणना हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके, यानी कि जाति के अनुसार जो योजनाएं हैं उसका सही से सबको लाभ मिल सके। अब आपको हम बताते हैं कि वो कौन कौन से 11 और मंत्री नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने 23 अगस्त को। तो सबसे पहले नीतीश कुमार तो हैं ही, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनसे मुलाकात करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इसमें शामिल हैं, उनका भी नाम इसमें बताया जा रहा है। विधानमंडल दल नेता अजित शर्मा भी हैं। भाकपा माले के महबूब आलम हैं, हम के जीतन राम मांझी हैं, हम पार्टी के जो प्रमुख हैं। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। अमीम विधायक अख्तरुल इमाम भी इसमें शामिल हैं। बीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, सूर्यकांत पासवान, जनक राम और अजय कुमार, इन 11 और नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सबकी आंखें अब इस पर टिके होगी कि आखिर इस मुलाकात में क्या क्या वार्तालाप होती है, क्या बातें निकलती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जातिगत जनगणना को लेकर अपनी हामी भरते हैं। क्योंकि आपको बता दें विचार बीजेपी के बिल्कुल अलग हैं, वो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन बिहार के ऑलमोस्ट सभी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, प्रमुख हैं, सब यही चाहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाए। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को यह भी कह दिया था कि अगर केंद्र नहीं मानता है तो अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करवाई जाए जिससे लोगों को योजनाओं का फायदा हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यही बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कई दिनों से पत्र का जवाब नहीं आ रहा था, जिस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की अवहेलना की जा रही है, नीतीश कुमार को इज्जत नहीं दी जा रही है और ये उनके पद को जो है एक तरह से बेइज्जत करना हो गया, ऐसा आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री पर लगाया था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद अब जब डेट्स आ चुके हैं कि 23 अगस्त को 11 बजे मुलाकात होनी है, तब जाके नेता प्रतिपक्ष थोड़े शांत हुए हैं और उन पे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा निशाना साधा गया कि तेजस्वी जी थोड़ा संयम बरतिए, डेट तो आ ही गया ना। तो फिलहाल इस वीडियो में आप इतना ही, 23 अगस्त को जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।